सुनील जी लग रहा है जुड़ गए। सुनील जी जुड़ गए क्या आप? हाँ जी, बताओ जी महाराज क्या सवाल है? मैं जी सीजी पावर मैंने ले रखे हैं सर जी, 10 रुपए 35 पैसे में 500 शेयर, और रोटो पंप लिए हूँ मैंने 200 शेयर 48 रुपए में, 48.5। ओके, कहाँ करना चाहते हैं? हाँ जी, क्या किया जाए? एक्चुअल में क्या है कि मैंने जो है ना 2020-21 में लगाया पैसा अपना थोड़ा, क्योंकि हाँ। मुझे लगा कि 2008 के रेट के ऊपर मुझे शेयर्स मिल गए, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो मुझे अभी भी ये भी पूछना चाहता था कि मुझे 1 CR के करीब प्रॉफिट हो रहा है, निकाल के मैं रख लूं पैसा सारा कैश, ताकि जब पूरे पोर्टफोलियो में 1 CR का प्रॉफिट हो रहा है क्या? हाँ जी पूरे पोर्टफोलियो में? हाँ जी हाँ जी पूरे पोर्टफोलियो में। ओके, रुको रुको रुक, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके दो सवाल है, रोटो पंप भी दिखाई दे रहा, 48 पे ले जाता हूँ, 48 पे ले जाना रोटो पंप। हाँ जी 48 साढ़े 48। हाँ सर्वेंद्र जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए रोटो पंप 48 में लिया, वो 422 हो गया है। सीजी पावर 10 रुपये में लिया है, वो भी 388-83 पे हो गई है। गजब मुनाफा कमाया इन्होंने, अब पूरे पोर्टफोलियो 1 CR बन रहा है इनका। पहले नहीं पहले तो इन बहुत दोनों स्टॉक पे बताओ क्या करें। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। अब तो एक बार चलिए दिल्ली, एक तो पहली बार इनसे पार्टी लेंगे, और दूसरा थॉट यही है कि जब इतना पैसा कमाया है तो फिर मेरे हिसाब से तो आधा मुनाफा बांधे, आधा मुनाफा बांधे यहाँ पे, और आधा रखें जो स्टॉक्स चल रहे हैं, आधा रखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहे लगाएं, बट मेरे हिसाब से आधा बेचेंगे तो आधा तो फ्री का एकदम इनका टोटली फ्री हो जाएगा, और आधा इनका पैसा मुनाफा इनका बन जाएगा। तो पूरा तो इनको बेचने नहीं बोलूंगा, बट डेफिनेटली आधा मुनाफा बांधेंगे तो कोई इनको तो अच्छा रहेगा इनके लिए। दोनों में आधा आधा बेच दें आप ये कह रहे हो, रोटो जी में जी भी और जी सीजी में भी? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है हमको सबने हमने बाजार में देखा है कि लास्ट नहीं करेगी, कहीं साइडवेज एक रेंज भी आएगी 3-4 साल की, कहीं साइडवेज कंसोलिडेशन में भी चीजें जाएंगी, तो पैसा इनके हाथ में रहेगा तो यही स्टॉक या कोई दूसरा स्टॉक नीचे में ले पाएंगे। बट ड्राई पाउडर रखें यहाँ पे, मैं सबको यही बोल रहा हूँ, बाजार उस करवट बैठा हुआ है कि थोड़ा ड्राई पाउडर रखने में कोई नुकसान नहीं होगा ज्यादा। नीचे आ गया तो आपको उल्टा लेने मिलेगा, ऊपर चला गया तो आपको एटलीस्ट उस पैसे पे भी एफडी के रिटर्न तो छूटते ही रहेंगे। और आप ये मान के चलिए कि अगर निफ्टी यहाँ से आपको 7-8% रिटर्न इस साल में दे दे, तो मोटा मोटी वही आपको आपको वही रिटर्न आपको एफडी में भी मिल जाएंगे, तो आप फिक्स अच्छा इनकम में थोड़ा। जी, जी सुनील जी ये बताइए कि ये जब आपने लिए थे सीजी पावर और रोटो पंप हाँ या जी और भी जो भी पोर्टफोलियो स्टॉक होंगे, हाँ जी ये किसकी सलाह पे लिए थे? खुद रिसर्च किया था? मैं खुद ही एक्चुअल में मैं 1985 से मैं कर रहा हूँ सभी शेयर ठीक है, का। अभी ये बताओ आप, ऐसा कुछ और आपने ढूंढ रखा है क्या? हाँ मैं ढूंढता रहता हूँ, अभी मैंने अभी हेमंत सिंह का सीरीज ढूंढ रखा है, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ अभी। नहीं मैं ये जैसे ना, अच्छा नाम मत बताओ आप चाहो तो, ये जब मर्जी हो आपकी, मैं हाँ इसलिए नहीं पूछना चाहता कि आप शेयर बताओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी इतनी अच्छी स्टॉक पिकिंग है और आप खुद रिसर्च करके ढूंढ लेते हो, तो फिर जो आपने पोर्टफोलियो लेवल पे 1 करोड़ का प्रॉफिट बना रखा है सरवन जी, उसमें से कुछ बेच के दर लगाए नया जो ढूंढ रहा है इन्होंने? नहीं, मुझे पूछेंगे तो मेरी राय यही रहेगी कि 50% ड्राई पाउडर रख सकते हैं तो रख लें, अब इनके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एनीवेयर बिटवीन 50-30% ड्राई पाउडर रखें, लेने के मौके मिलेंगे ऐसा मेरा स्ट्रांग मानना है। जैसे मैंने भी शो के स्टार्ट में भी बोला था कि भाई गलत हम भी 10-20, 100 में से 10-20 हम भी गलत चले जाते हैं, बट पोजिशनली में भगवान की दया से अच्छा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इनको नीचे के लेने के मौके मिलेंगे। पोजिशनल ट्रेड्स अपने अच्छे जाते हैं तो इनके इनको नीचे लेने के मौके मिलेंगे। 30-50% ड्राई पाउडर रखें इनके पास, जो भी इनका पोर्टफोलियो, मुझे एग्जैक्ट साइज नहीं मालूम है, 30-50% ड्राई पाउडर बना लें। तो सुनील जी आप चाहें तो उसमें से बेच के कुछ पैसे लगा सकते हैं, तो आप क्या किसके किस में लगाएंगे आप बताइए? ओ एक्चुअल में क्या है ना जी, मैं लगाऊंगा तभी जब इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा सा मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, तो जब करेक्शन उस टाइम आएगा मैं उस टाइम के लिए पैसा रखना चाहता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। तो ये हिम्मत सिंह का में और इस तरह के और स्टॉक आपने ढूंढ रखे हैं? हाँ जी हाँ जी, और भी कई ढूंढे हुए मैंने रखे हुए, मैंने लिस्ट बना के अपने नए वाले। जी बिल्कुल, ये देखिए ये एक टेस्ट केस है। सुनील जी से दो चीज़ें लोगों को सुननी चाहिए, पहली चीज़ तो सुनील जी को कॉपी मत कर लेना, क्योंकि सबकी अपनी अलग रिसर्च, अपनी अलग रिस्क प्रोफाइल होती है, कि आपने सुन लिया और आपने एकदम से जाके वो कर दिया, वो मत करिएगा। नंबर 1। नंबर 2, पेशेंस और रिसर्च, इन्होंने पेशेंस रखा और अपना खुद मेहनत की, तो परिणाम आपके सामने है कि एक शेयर 38 गुना बढ़ चुका है, दूसरा शेयर भी 9-10 गुना ऊपर है। ये होता है पेशेंस और पढ़ाई लिखाई, तो जो हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। सुनील जी बहुत शुक्रिया और बधाई आपको।
आपको राय मिल चुकी है, आप अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं।